मैं किसी के दबाव के बाहर क्या बोला तूने? दबाव के बाहर पीटीआई की रुकनियत और शुमाली वजीरिस्तान के जेली सदरात से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम पर कैसे कैसे नमूने मुसल्लत हो चुके हैं दोस्तों, आप मुकम्मल देखेंगे नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। मेरा जमीर कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक ऐसी जमात का हिस्सा रहो जो मुल्क के सलामती इदार मेरा जमीर कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक ऐसी जमात का हिस्सा रहो जो मुल्क के सलामती इदारे के साथ मुतसादिम हो। मैंने कहा था ना इन तक नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी रुकिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बाकी है। किसी किस्म के दबाव के बाहर क्या बोला तूने? दबाव के बाहर पीटीआई की बुनियादी रुकनियत और शुमाली वजीरिस्तान की जेली सदारत से दर्जबरदार होने का ऐलान करता हूँ। सेनेट इंतहाबात के दौरान मैंने करोड़ों का ऑफर टकराया लेकिन हालिया 9 मई का दिल खराश हुआ किया जब पेश आया तो मुझे इंतहाई दुख और दिली अफसोस हुआ। पाकिस्तानियों, हम पर ये कैसे नमूने मुसल्लत हो चुके हैं जिनको रीडिंग तक नहीं आती। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क था, बेड़ा गर्क है और बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैं अपनी बात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि मुल्क से वफादारी हमारी सियासत अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि मुल्क से वफादारी हमारी सियासत सियासी मफादात से बलतर है। तो रुको जरा, सबर करो। शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद। उदयो शायद तासु तबिया जो वाजह मैं वाजह करता हूँ क्या और चीज ब्याह करता हूँ कम रेडी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, ये बंदा यहाँ पर फिर हैंग हो गया। ये हमारा एमपीए एमएनए है, यकीनन ये मैट्रिक फेल होगा। ये हमारे मुल्क के लिए क्या प्लानिंग करेगा? वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है। उस रेडी है तासु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं मोहम्मद इकबाल वजीर शुमाली वजीरिस्तान का रिहाइश हूँ। मैं गुज़िश्ता हुकूमत में सूबाई काबीना का हिस्सा था और मुझे पीटीआई हुकूमत ने सूबाई वजीर बराए रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा? आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। दोस्तों, तो ये थी आज की मजाहिया वीडियो। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अगर आप पाकिस्तानी सियासतदानों पर बनने वाले और मजाहिया वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।